नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मोटोरोला एज 20 वर्सेस वन प्लस नॉर्ड से 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो एज 20 में 6.42 इंच जबकि नॉर्ड से 5G में 6.27 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि एज 20 से कम है। विड्थ की बात करें तो एज 20 में 2.99 इंच जबकि नॉर्ड से 5G में 2.89 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि एज 20 से कम है। बात करें थिकनेस की तो एज 20 में 0.27 इंच जबकि नॉर्ड से 5G में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि एज 20 से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो एज 20 में 163 ग्राम जबकि नॉर्ड से 5G में 170 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि एज 20 से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो एज 20 में OLED जबकि नॉर्ड से 5G में फ्लूइड AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो एज 20 में 6.7 इंचेस जबकि नॉर्ड से 5G में 6.43 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो एज 20 में 87.49% जबकि नॉर्ड से 5G में 85.31% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो एज 20 में 393 पिक्सल प्रति इंच जबकि नॉर्ड से 5G में 409 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो एज 20 में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, टेलीफोटो कैमरा देखने को मिलता है। और नॉर्ड से 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मोनो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो एज 20 में 11 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और नॉर्ड से 5G की बात करें तो उसमें 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो एज 20 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 6 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और नॉर्ड से 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो एज 20 में Adreno 642L जबकि नॉर्ड से 5G में Adreno 619 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो एज 20 में Qualcomm Snapdragon 778G और नॉर्ड से 5G में Qualcomm Snapdragon 750G मिलता है। बात करें RAM की तो एज 20 में 8GB की RAM मिलती है जबकि नॉर्ड से 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8GB 12GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो एज 20 में 128GB की स्टोरेज मिलती है जबकि नॉर्ड से 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V11 देखने को मिलती है। बैटरी एज 20 में 4000 mAh जबकि नॉर्ड से 5G में 4500 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो एज 20 में 2 कलर्स जबकि नॉर्ड से 5G में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो एज 20 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है,
जो कि 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 29,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें नॉट से 5G की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 24,999 रुपीस, 12 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 27,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की, तो मोटोरोला एच 20 में 6 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है। जबकि बात करें वन प्लस नॉर्ड से 5G की तो उसमें 7 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में नॉर्ड से 5G आगे है, मेन कैमरा में एच 20 आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में नॉर्ड से 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y72 5G है जो कि 20,990 रुपए में मिलता है। दूसरा Samsung Galaxy M52 5G है जो कि 25,999 रुपए में मिलता है। तीसरा Vivo iQOO Z3 है जो कि 22,990 रुपए में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo V21e 5G है जो कि 22,999 रुपीस में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।